हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज हम जनरल नॉलेज की एक क्लास डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जीके की क्लास डिस्कस की थी, जिसमें कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस किया था, और उसके पहले हमने करंट इवेंट से रिलेटेड एक वीडियो डिस्कस की थी, जिसमें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के बीच में MOU साइन हुआ था, उससे जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम इसके पहले हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस डिस्कस कर लिया है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल सिविल, जिसको कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो सबसे पहले तो हमको यही याद रखना है कि ये आपकी संयुक्त यूनाइटेड नेशन ICAO जो है वो आपके यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई संचालन, जो आपका इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर है, उसके लिए सुरक्षा, उत्सर्जन, नेविगेशन और सुविधा मानकों को निर्धारित और ऑडिट करने के लिए अपने 193 सदस्य देशों के साथ यहाँ पे काम करती है। तो इसीलिए जो उत्सर्जन होता है CO2 का उत्सर्जन, उसके मापने के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस और आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में MOU साइन हुआ है। इसीलिए हमने यहाँ पे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, ये आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले तो आपको ICAO का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो आपका ये आप ICAO का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ये यूएन की एक एजेंसी है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है ICAO। इसका काम क्या होता है? सुरक्षा उत्सर्जन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संचालन के लिए सुरक्षा, उत्सर्जन, नेविगेशन और सुविधा मानकों को जो है यहाँ पे निर्धारित और ऑडिट करने का काम जो होता है वो आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन करती है। वहीं हम बात करें इसके सदस्य देश, तो 193 जो है इसके सदस्य देश हैं। इट विल ऑपरेट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। इट विल अलाउ द सोलराइजेशन ऑफ एविएशन सेक्टर अक्रॉस ऑल मेंबर स्टेट। तो इसका जो मेन मोटिव है, इसके जो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनको उनके जो एविएशन सेक्टर्स हैं, एविएशन सेक्टर हैं, हवाई संचालन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संचालन जो होता है आपका, उसको सोलराइजेशन करना। सोलराइजेशन करना मतलब उनके आपको सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ करना एविएशन सेक्टर में। इसके लिए जो है यहाँ पे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो इसीलिए जो है इसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ CO2 के उत्सर्जन को मापने के लिए एक MOU साइन किया है, जो कि करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड था, इसलिए हमने उसको अलग से डिस्कस किया। तो हमको दोनों के आपको फुल फॉर्म भी याद रखने, ISA का इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO है, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।